अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं रुबीना अंसारी किचन में आपके लिए सोफियाना बिरयानी, जिसे हम वाइट बिरयानी भी कहते हैं, वो तैयार कर रही हूँ। मैंने आधा किलो चिकन के मुख्तलिफ पीसेस लिए हैं। सबसे पहले मैं इसे मैरिनेट करूँगी। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 4 बड़े साइज़ की हरी मिर्ची हैं जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, थोड़ी सी मोटी मोटी हैं। 100 ग्राम दही है। इसके अलावा 1 बड़े साइज़ के लेमन का जूस और 1 टेबलस्पून नमक डालूंगी और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए रखूंगी। अगर आपको फौरी तौर पे पकाना है तो आप इसे मैरिनेशन प्रोसेस से मत गुजारिएगा। इसके अलावा मैं कुछ गरम मसाले भी ले रही हूँ जो इसके साथ ही शामिल करूंगी। अगर आप चाहें तो जब हम बघार बनाएंगे तब भी डाल सकते हैं। 2 सिनेमन स्टिक, 4 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची और 6 मैंने लौंगे ली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सकें। इसमें हम काली या सुर्ख मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। वॉक चूल्हे पे रखा हुआ गर्म हो रहा है। आधा कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। मैरिनेशन का टाइम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ मैंने 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसे के काट लिया है स्लाइसिस में। ये हम ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हम इसे थोड़ा सा सौते करेंगे। जब ये सौते हो जाएगी तो फिर हम मज़ीद प्रोसेस करेंगे। 2 चुटकी कलौंजी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मैंने अभी शामिल कर दी है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक थोड़ा सा फ्राई करूँगी। 1 मिनट में प्याज का कलर चेंज हो गया है, सॉफ्ट भी हो गई है। अब मैं मैरिनेटेड चिकन डाल रही हूँ। 1.5 कप बासमती राइस लेके मैंने उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके भिगो दिया है। तकरीबन आधा घंटा वो भीगेंगे। उसके बाद मैं यहाँ उनको उबालने का प्रोसेस करूँगी। हाई फ्लेम पर भूनते हुए 3 मिनट हो गए हैं। चिकन का कलर भी चेंज हो गया। अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी बल्कि इसे मैं ढक कर रखूंगी और ये गलेगा तो फिर मैं इसे 5 से 6 मिनट के बाद चेक करूंगी। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे। चिकन को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे चेक कर रही हूँ। ढककर पकने में दही में से पानी और रिलीज़ हुआ है। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर रही हूँ और ये गलेगा, पानी की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिलते हैं हम 10 से 15 मिनट के बाद। चिकन को दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया है। इस चूल्हे पर वॉक में 2 से 3 मग पानी है। 1 कप इसमें मैं दूध डाल रही हूँ ताकि चावलों का टेक्सचर बहुत अच्छा सा वाइट हो, क्योंकि ये वाइट राइस बनेंगे, वाइट बिरयानी होगी। अब मैं इसे ढक रही हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। बॉयल आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ये पानी उबल रहा है। अब मैं इसमें चावल डालूँगी और चावल डाल के ढक दूँगी। मैंने चावलों का पानी बिल्कुल निकाल दिया है। अब ये मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पकेंगे। जब उबाल आता है तो मैंने मिक्स करूंगी और फिर हम मज़ीद प्रोसेस करेंगे। अब मैं ढक कर रख रही हूँ और फ्लेम को हाई कर रही हूँ। उबाल आना शुरू हो गया है, मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसी फ्लेम पर ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे। वहाँ चिकन भी ऑलमोस्ट टेंडर होने वाली है। जब 3/4 गल जाएंगे तो फिर हम मिलेंगे। नमक हम अभी नहीं डालेंगे वरना दूध फट जाएगा। चिकन तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहिल में है। अब मैं इसमें ये 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाल के अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और उसका फ्लेम मैं अभी बिल्कुल लो कर दूँगी ताकि चावल तैयार होने तक वो बहुत ज़्यादा टेंडर ना हो जाए। आठ मिनट हो चुके हैं, मैं चेक करती हूँ। फिर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। बहुत अच्छा सा गुड लुकिंग टेक्सचर नज़र आ रहा है। देखिए कितने अच्छे अलग अलग चावल हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ, मिक्स करूँगी और डायरेक्टली इस
चम्मच की मदद से मैं इसे लेयरिंग के लिए लगा दूंगी इस चिकन में। ये देखिए कितने अच्छे से अलग अलग दाना और कितने वाइट हैं। तो फिर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ चिकन को। चिकन में हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए, इसलिए कि 3/4 चिकन गली हुई है और 3/4 ही चावल गले हुए हैं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम चावल ऊपर इसके लगा दूंगी और फिर हम मज़ीद कुछ थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे, बिल्कुल छान लेना। अब मैंने अच्छी तरह से स्मूथ कर देती हूँ और इस पर थोड़ा सा घी, अगर आप चाहें तो असली घी, वरना नॉर्मल जो वनस्पति घी होता है, 1 चम्मच मैं ये डाल रही हूँ। इसके अलावा लेमन जूस 1 चम्मच डालूँगी ताकि थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आए। इसके अलावा नमक हम चेक करेंगे, और ये क्रीम है, ये क्रीम मैंने 1 टेबल स्पून ली है। टेट्रा पैक है, फ्रेश भी डाल सकते हैं क्योंकि ये क्रीमी टेक्सचर देगा और वाइट बिरयानी है इसलिए। अब मैं इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद हल्का सा इस पे मैं नमक छिड़कूंगी और इसे ढक के रखूंगी दम होने के लिए। नमक मैं तकरीबन 2 से 3 पिंचेस डालूंगी क्योंकि नमक मैंने चेक कर लिया था। अब मैं इसे ढक रही हूँ, तो फिर मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। अभी फ्लेम हाई है, मैं 2 मिनट के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी। व्यूअर्स, काफ़ी खुशबुएं फैल रही हैं, बहुत अच्छा सा टेक्सचर नज़र आ रहा है, गुड लुकिंग। चेक करते हैं, बहुत अच्छी तरह से दम हो गई है। अब मैं मिक्स कर रही हूँ, फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और आपके लिए डिश आउट करती हूँ। तो फिर मिलते हैं प्रेजेंटेशन पे। व्यूअर्स, आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी सोफिस्टिकेटेड साइट कैचिंग सोफियाना बिरयानी तैयार है। इसे आप वाइट सॉस के साथ या मायो सैलेड के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी, सबको पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।